हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप एंड आप देख रहे हैं लर्निंग टेक्निकल 2.0 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारा इस चैनल का पिछला वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि फ्रेंड्स कैसे आप आपका जो भी मोबाइल फोन है उसके मदद से बहुत ही आसान तरीके से आपका मोबाइल फोन के मदद से जो है एक एप्लीकेशन को यूज करके कैसे आपका जो भी JPG फॉर्मेट का फोटो आपका मोबाइल फोन पे है उसके मदद से जो है PDF फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जो PDF फाइल क्रिएट कर रहे हैं आपका मोबाइल फोन के मदद से उसमें कैसे आप जो है सिक्योरिटी ऐड करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो भी PDF फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें कैसे आप जो है पासवर्ड सेट करेंगे। ओके, बेसिकली फ्रेंड्स ये मैं कोई भी एप्लीकेशन के मदद से यहाँ पर नहीं करूंगा, सिंपल सा एक वेबसाइट है फ्रेंड्स जिसके मदद से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा प्रोसेस को करके दिखाऊंगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो वीडियो को जो है पूरा का पूरा वॉच करने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट करके मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं एंड वीडियो को जो है यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस को करने के लिए हमें सबसे पहले मोबाइल का होम स्क्रीन पे आ जाना है एंड फ्रेंड्स मोबाइल में आपका जो भी क्रोम ब्राउजर है सिंपल सा उसको ओपन कर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर से जो है मेरा मोबाइल का जो भी क्रोम ब्राउजर है सिंपल सा उसको ओपन कर रहा हूं। देख सकते हैं कि क्रोम ब्राउजर जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया है। सिंपल सा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका ये जो क्रोम ब्राउजर का सर्च बार है सिंपल सा इसमें आपको एक एप्लीकेशन बेसिकली फ्रेंड्स एक वेबसाइट सर्च कर लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं वो जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके आप जो है वहां पर से भी सिंपल सा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स ये जो वेबसाइट है इसका नाम है स्मॉल PDF। ओके, तो मैं सिंपल सा ये जो स्मॉल PDF वाला वेबसाइट है देख सकते हैं कि इसको सिंपल सा ओपन कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर पहले जो ऑप्शन आ गया है वहां पर ही है smallpdf.com बोल के एक ऑप्शन आ गया है, उसमें सिंपल सा हमको जो है टैप करना पड़ेगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम टैप कर रहे हैं यहां पर जो है इसका होम पेज ऑलरेडी ओपन होकर आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें जो है एकदम नीचे की तरफ आ जाना है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, एकदम नीचे की तरफ आ जाना है। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सी ऑल PDF टूल्स। ओके, तो जहां पर रेड मार्किंग शो हो रहा है बेसिकली फ्रेंड्स सी ऑल PDF टूल्स बोल के जो ऑप्शन हमको मिल रहा है सिंपल सा उसके ऊपर जो है हमको एक बार टैप करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम टैप करेंगे तो यहां पर जो है इस वेबसाइट का जितना सारा टूल्स है बेसिकली PDF का, ठीक है, वो सारा का सारा यहां पर जो है शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप हमारे सामने बहुत सारा जो PDF का ऑप्शन है बेसिकली जो टूल्स है PDF फाइल का वो शो हो रहा है। ओके, तो एकदम नीचे की तरफ फ्रेंड्स हमको जो है आ जाना है। तो एकदम नीचे की तरफ फ्रेंड्स आ जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि एकदम लास्ट में जो ऑप्शन हमको मिल रहा है बेसिकली प्रोटेक्ट PDF बोल के, ओके, जहां पर रेड मार्किंग शो हो रहा है तो उसके ऊपर हमको जो है टैप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है एक पेज ओपन होकर हमारे सामने आ गया है, सिंपल सा चूज फाइल बोल के ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो यहां पर आपके सामने जो है एक ड्रॉप डाउन का बटन मिल जाएगा। तो वो जो ड्रॉप डाउन का बटन है उसके ऊपर हमको जो है एक बार टैप करना पड़ेगा एंड हमारा जो भी PDF फाइल हमारा मोबाइल फोन पे जहां पर भी आप जो है सेव करके रख दिए है वहां पर से वो फाइल को जो है चूज कर लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहां पर जो है फ्रॉम डिवाइस बोल के जो ऑप्शन है वहां पर आ जाऊंगा एंड फ्रेंड्स नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल का जो भी फाइल मैनेजर है बेसिकली वो ओपन हो रहा है। ओके, तो मैं यहां पर से जो है मेरा फाइल मैनेजर को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल का जो भी फाइल मैनेजर है वो ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर से जो है एक PDF फाइल को ऑलरेडी मेरा मोबाइल फोन पे डाउनलोड करके रख दिया था तो उसको जो है सिंपल सा ओपन कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा एक पेज ओपन होकर आ गया है एंड यहां पर जो है आपको चूज योर पासवर्ड बोल के ऑप्शन मिल रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स जहां पर रेड मार्किंग शो हो रहा है वहां पर जो है आपको आपका जो पासवर्ड यहां पर एंटर करना चाहते हैं फ्रेंड्स आप उसको एंटर कर दीजिए। तो मैं चूज योर पासवर्ड पे जो है मेरा रैंडम सा कोई भी एक पासवर्ड यहां पर एंटर कर दूंगा। तो एंटर कर देने के बाद फ्रेंड्स नीचे की तरफ आपको जो है रिपीट योर पासवर्ड बोल के एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, वहां पर जो है आपको सेम पासवर्ड ही दोबारा एंटर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं जो पासवर्ड ऊपर में दिया हूं वो सिंपल सा नीचे भी दे दूंगा, देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो है रेड मार्किंग जहां पर शो हो रहा है बेसिकली फ्रेंड्स वहां पर आपको जो है टैप कर देना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही टैप करूंगा देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है सेव पासवर्ड बोल के एक ऑप्शन आ गया है। ओके, तो मैं यहां पर जो है सेव कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं कि योर PDF हैज बीन सिक्योर्ड। ओके, तो यहां पर जो है आपका PDF जो है सिक्योर्ड होके आ गया है एंड यहां पर आपका जो PDF का नेम है वो भी ऑलरेडी शो हो रहा है। उसके फ्रेंड्स थोड़ा नीचे की तरफ आपको जो है डाउनलोड फाइल बोल का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपका PDF तो यहां पर रेडी हो गया है लेकिन उसको जो है आपका मोबाइल फोन पर डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर डाउनलोड फाइल के ऊपर हमको टैप कर देना पड़ेगा। तो जैसे ही टैप करेंगे फ्रेंड्स यहां पर जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा PDF जो है डाउनलोड हो गया है। तो मैं सिंपल सा PDF को जो है मेरा मोबाइल फोन पे ओपन कर लूंगा। ओके, तो देख सकते हैं कि मेरा जो PDF रीडर है वहां पर मैं PDF फाइल को ओपन कर रहा हूं।
तो फ्रेंड्स जैसे ही पीडीएफ फाइल मैं ओपन कर रहा हूं, मेरा जो पीडीएफ रीडर है वहां पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड बोल के ऑप्शन आ गया है। ओके एंड यहां पर जो है पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है, तो मैं जो रैंडम सा पासवर्ड वहां पर एंटर किया था, यानी कि जो पासवर्ड से मेरा जो पीडीएफ है उसको प्रोटेक्ट किया था, वो यहां पर दे दूंगा एंड सिंपल सा ओपन के ऊपर टैप करूंगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरा जो पासवर्ड है वो सिंगल टाइम पे ही जो है यहां पर एक्टिवेट हो गया है। ओके एंड प्रॉपर तरीके से जो है मेरा पीडीएफ को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो देख सकते कि फ्रेंड्स मेरा जैसे ही मैं पासवर्ड को एंटर कर रहा हूं, मेरा पूरा का पूरा जो पीडीएफ फाइल था वो यहां पर रेडी होके आ गया है एंड पूरा का पूरा जो है शो हो रहा है। यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। बेसिकली फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूं कि ये शॉर्ट वीडियो के मदद से आपका जो प्रॉब्लम है पीडीएफ फाइल को आप कैसे क्रिएट तो कर लिए हैं फ्रेंड्स, हमारा दूसरा जो वीडियो है उसका, अगर आप फ्रेंड्स वो जो मेरा दूसरा पीडीएफ फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स मेरा इस चैनल पे पीडीएफ फाइल के रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो आप जो है बिना उस वीडियो को देखने के लिए जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके तो फ्रेंड्स इतना ही था हमारा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो के माध्यम से आपका जो प्रॉब्लम है अगर वो सलूशन हो पाए तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टेक्निकल एंड इन्फॉर्मेटिव आइडिया लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।